स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर यूथ ब्रिगेड फॉर नेशन ने राजधानी दिल्ली के मधुविहार इलाके में तिरंगा यात्रा निकाला। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति गीतों के साथ निकला ये तिरंगा यात्रा लोगों में देश भावना का अलग जगाता गया। मधुविहार से शुरू हुआ ये तिरंगा यात्रा कई इलाकों में गया। यात्रा में शामिल लोगों के मुताबिक ये यात्रा देश के उन वीर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि है जो अपनी जान कुर्बानी देकर भारत को आजाद कर गए हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति नागपाल। क्या समाज सेविका हूँ और यूथ ब्रिगेड ऑफ नेशन की तरफ से इनविटेशन आया था। बहुत सफलतापूर्वक इनका कार्य है। ये देश के प्रति इनकी जो भावना है वो आज जागृत हुई है। बड़ी उमदा भीड़ यहाँ मौजूद है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, दो शब्द अपने तिरंगे के लिए बोलूंगी। केसरिया मेरा है ना हरा मेरा है, मेरा धर्म हिंदुस्तान है, पूरा तिरंगा मेरा है। भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद। इस यूथ ब्रिगेड नेशन के इस आयोजन में पिछली बार भी मैंने हिस्सा लिया था और इनका मैं बहुत पूर्ण मेंबर हूँ और हर बार इस आयोजन में हम लोग बहुत दिल लगाकर और पूरी देशभक्ति की भावना से हम ओतप्रोत होकर इस आयोजन में पार्टिसिपेट करते हैं। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और इसका सारा श्रेय जाता है राकेश बघेल को और मुकेश जाटव जी को, जिन्होंने सभी लोगों को एकत्रित किया और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू होकर विभिन्न सोसाइटी से और जोशी कॉलोनी की गलियों से निकलकर पूरे आईपी एक्सटेंशन में जाएगी और इस तिरंगे की यात्रा को और सफलतापूर्वक बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम राकेश बघेल है जी। सर, हमारा एक संगठन है यूथ ब्रिगेड फॉर नेशन और इसके माध्यम से हम सामाजिक जो भी काम होते हैं वो इसके माध्यम से करते हैं, यूथ ब्रिगेड फॉर नेशन। और हमारी तिरंगा यात्रा का आज आयोजन हमने किया है जिसमें बहुत सारे संख्या में लोग उपस्थित होंगे और अभी हर साल ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है यूथ ब्रिगेड फॉर नेशन के द्वारा। मैं क्या मैसेज दे रहे हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम से? तिरंगा अपने आप में एक मैसेज है। तिरंगे से देशभक्ति की भावना जो 1947 से पहले लोगों ने अपनी आहुतियां देकर इस देश को स्वाधीन कराया, आज तिरंगा जो है हमारे आन बान का सबूत है। देश के अंदर में जो विरोधी शक्तियां आज सिर उठा रही हैं उनके लिए तिरंगा एक जवाब है और जो तिरंगा लेकर चल रहे हैं वो जवाब जवान उसके जवाब हैं। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर में एकजुटता रहे, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां हो रही हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व है उनको एक शानदार जवाब मिले और वो देश से नेस्तनाबूत हो जाएं। ये 15 अगस्त पर आप सबका हम धन्यवाद देते हैं कि एक हमने एक आयोजन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमने 10 दिन से हम लगे हुए हैं और इसको आगे और सफल बनाएंगे। आगे और सफल। यूथ ब्रिगेड फॉर नेशन के माध्यम से हम एक तिरंगा यात्रा हर साल निकालते हैं और इस तिरंगा यात्रा को निकालने का हमारा मेन मकसद यही है कि जो शहीद जो लोग हमारे देश के शहीद हुए थे और जो सैनिक शहीद होते हैं उनको आज के दिन हम नमन करते हैं और देश में शांति के लिए हम प्रयास करते हैं कि शांति रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो कुर्बानी उन लोगों ने दी है हम आने वाली जनरेशन को बताना चाहते हैं कि देश को आज़ाद कराने के लिए बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी और ताकि आने वाली जनरेशन को याद रखे। ये जो यूथ खड़ा हुआ है हमारा यूथ ब्रिज, ये इसका सारा श्रेय राकेश जी और उनकी टीम को जाता है और ये जो हमारे आज की युवा पीढ़ी से ये जो भावना देशभक्ति की ख़त्म होती जा रही है इससे एक यूथ को भी बड़ा मिशन पर वो अपना कार्य करेंगे और ये किसी जात और धर्म से इसका ओतप्रोत नहीं है। इस सभी के लिए एक मिशन तैयार हुआ है हमारे आईपी एक्सटेंशन में और हम सब लोग इनके साथ मिलके पूरे तन मन धन से इनका कार्य करेंगे और हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं प्रेक्टा सर्व सेवा संघ की मेंबर हूँ और मैं यही कहती हूँ इस देश के लिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। विद ब्रेक
पिछले साल भी किए थे, जिसके की अगुवाई राकेश बघेल जी करते हैं, और हम लोग एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने हम पूरे हिंदुस्तानी हैं और सब एक है, और एक होने का वक्त आ चुका है। राजनीति हद से हट के हिंदुस्तान के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने जान दिए थे, कुर्बान किए थे, आज उनको हम लोग याद करके हिंदुस्तान पूरा एक मंच पे आने के लिए हम लोग कष्ट करें। सारे हिंदुस्तान के लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, सब एक प्लेटफार्म पर आ जाए।